चलिए आज मैं लेकर चलती हूँ आपको अपनी पान की बगिया में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ कार्य से पहले और पूजा पाठ के दौरान पान के पत्ते के जरिए भगवान को नमन किया जाता है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार पान के एक पत्ते में ब्रह्मांड के विभिन्न देवी देवताओं का वास होता है। अजी हम ठहरे यूपी वाले, यूपी में प्रसिद्ध खान पान की बात हो और पान की बात ना हो तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। इलाहाबाद हो, कानपुर हो या फिर बनारस, आपको हर जगह पान के शौकीन जरूर मिल जाएंगे। नेता से लेकर अभिनेता तक सभी हैं इसके दीवाने। बॉलीवुड में तो अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान सभी बनारसी पान खाकर ठुमके लगा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरती क्रिएटिव वर्ल्ड में। खाना खाने के बाद पान खाना भला किसे पसंद नहीं। कुछ शौकीन तो ऐसे हैं जो पूरे परिवार के सहित पान खाने बाहर जाते हैं, और हम जैसे शौकीन ऐसे हैं जो घर में ही पान की बेल लगाकर घर में ही मीठा पान लगाते हैं और पान से बनने वाली ढेरों रेसिपीज बनाते हैं। उसी में से कुछ मीठे पान की रेसिपीज आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसे कैसे बनाना है चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पान के ऊपर की डंडी को कैंची से कट करके लगाएंगे सादा मीठा पान। यूपी में इस स्टाइल से लगाया जाता है, एक साइड चूना और एक साइड कत्था। चूने और कत्थे का सही बैलेंस होता है तभी होठों पर लाल पान रचता है। ये है फ्लेवर्ड केसर चटनी, ये है पिपरमिंट वाली गुलाब सुपारी। पान में इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, मैं ये ज़रूर डालती हूँ। 20 रुपये का इसका पैकेट आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसके बाद डाल रही हूँ गीले नारियल का लच्छा और टूटी फूटी। मीठे पान में दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। चमन बहार या हीरा मोती के नाम से ये मार्केट में इस टाइप की डब्बी मिलती है, ये मुंह को ठंडक देती है। अब डालेंगे मीठे पान की जान गुलकंद। 50 से 60 रुपये वाला पैक अगर आप किसी बढ़िया पान वाली दुकान से लेंगे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का गुलकंद आपको मिल जाएगा। अब मैं इसे बहुत ही सिंपल फोल्ड करके टूथपिक में चेरी लगा के बंद कर दिया है। कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ इस तरह का मीठा पान लगाकर हम रोज़ में खा सकते हैं। सेकेंड, अब हम लगाएंगे रेनबो पान। सिंपल कत्था चूना सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद मैं इस पर लगाऊंगी केसर चटनी। इसके ऊपर लगाएंगे टूटी फ्रूटी और पपाया लच्छा। पपाया लच्छा की तरह अलग अलग कलर्स और फ्लेवर्स के आते हैं। इसके ऊपर मैं अलग अलग कलर के नारियल लच्छे डाल रही हूँ जिसे मैंने डिफरेंट फूड कलर से कलर किया है। ये डिफरेंट कलर के ही नहीं बल्कि डिफरेंट फ्लेवर्स के भी हैं, जैसे वेनिला, केसर, केवड़ा, रोज। आप भी इसी तरह एसेंस और फूड कलर का यूज़ करके घर में ही इस तरह के नारियल अच्छे से रेनबो पान बना सकते हैं। पर मीठे पान की जान गुलकंद डालना मत भूलिएगा। सिंपल ट्रायंगल फोल्ड करके चेरी और टूथपिक लगाएंगे। अब रेनबो पान है तो ऊपर से भी इसे कलरफुल सजा देंगे। क्यों जी, लग रहा है ना एकदम कलरफुल? आप भी लगाइए और खाइए।
अब सुपारी का झटका पान तो उनके लिए है जिन्हें मीठा पान पसंद नहीं है, जो सुपारी खाना पसंद करते हैं। याद है पहले लोग पॉकेट में सुपारी और छोटा सरौता रखते थे। जब भी सुपारी खाने का मन होता था बस जेब से निकाली और मेरी तरह ही सुपारी काटने बैठ जाते थे। पान में बढ़िया कत्था चूना लगाइए, पर कोई भी गुलकंद या मीठी चीज इस पान में नहीं लगाएंगे। कुछ सिंपल सुपारी, कुछ फ्लेवर्ड सुपारी, गुलाब सुपारी, धनिया दाल, लौंग, इलायची, चमन बहार डालकर ये पान लगाएंगे। और चेरी से नहीं, इस बार हम इसे बंद करेंगे लौंग से। मेरे सभी पान ट्राई एंड टेस्टेड हैं। मेरे घर की किसी भी छोटी बड़ी पार्टी में या फिर बड़ी ग्रुप आउटिंग में मैं हमेशा सभी के टेस्ट के अकॉर्डिंग पान बनाकर ज़रूर ले जाती हूँ। इसीलिए मुझे पता है कि ये सुपारी का झटका पान तंबाकू खाने वालों या सुपारी के शौकीनों को ज़रूर पसंद आता है। हरी इलायची की जगह आप बाबा सिल्वर इलायची और पेपरमेंट से मुँह को जबरदस्त ठंडक दे सकते हैं। और देखते चलिएगा मैं सभी पान को कैसे फोल्ड कर रही हूँ। खंबा गड़ी सा पधारू मारी दुकान। अरे अपने पान के पत्तों के बारे में तो मैं बताना ही भूल गई। मेरे यहाँ लगा है देशी पान। मुझे दुकानदारों की तरह पान को काट छाट कर शेप देकर छोटा करना पसंद नहीं है, इसलिए उसी तरह पूरा पान लगाती हूँ। अब फुल लोडेड चॉकलेट पान के लिए पान के बेस में लगाएंगे खूब सारा न्यूटेला। अभी से लगने लगा ना चॉकलेटी चॉकलेटी। अब कैंची से इस तरह से इसे बीच में कट करेंगे। चाहे तो न्यूटेला लगाने से पहले भी कट कर सकते हैं। इस तरह से घुमाकर एक कोन का शेप देंगे। इसके अंदर सबसे पहले मैं भर रही हूँ 5-स्टार चॉकलेट का एक छोटा सा पीस, कुछ चोको चिप्स, साथ में ही मेरे पास है कुछ चॉकलेट स्टोन, इसके ऊपर कुछ टूटी फ्रूटी और नारियल लच्छा, ऊपर से लगाएंगे चेरी। इसे बंद करने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही खूबसूरत लग रहा है। पर अभी इसे चॉकलेट में डिप करना बाकी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ ली है डार्क चॉकलेट। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट कंपाउंड भी ले सकते हैं। इसको कट करके माइक्रो में या डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट कर लेंगे। देखिए इस तरह से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो हम इस पान को हाफ ही इसमें डिप करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। चाहे तो अच्छे से बंद करने के लिए आप लौंग लगा सकते हैं, बट लौंग का फ्लेवर चॉकलेट के साथ मैच नहीं होगा, इसलिए जब हम चॉकलेट में डिप करेंगे तो वो वैसे ही अच्छे से बंद हो जाएगा। आप किसी और तरीके से फोल्ड करके पूरा भी चॉकलेट में डिप कर सकते हैं। मुझे सभी पान में अलग अलग स्टाइल देनी थी, इसलिए खुला ही रखा। मेरे बेटे को ये पान बहुत ही पसंद आया। आंखें बंद करके एकदम मुग्ध होकर वो पान ऐसे खा रहा था कि वाह मम्मा क्या चॉकलेटी पान है। मैंने चुपके से वीडियो भी बनाया था, पर उसने अपना वीडियो इसमें डालने ही नहीं दिया। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चॉकलेट लवर्स को तो बहुत पसंद आएगा। हमारा चॉकलेट ओवरलोडेड पान रेडी है। आप बनाएंगे ड्राई फ्रूट पान, इसे शाही पान भी कह सकते हैं। काजू और बादाम को छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। पान में सबसे पहले लगाएंगे केसर चटनी, ये बहुत तरह तरह के फ्लेवर में आती है, और ढेर सारा गुलकंद। इसके ऊपर डालेंगे हम टूटी फ्रूटी, नारियल लच्छा, पपाया लच्छा और कट किए हुए काजू बादाम और किशमिश। लास्ट में इसमें चेरी लगाकर फोल्ड कर देंगे। मार्केट में पान में यूज होने वाले आइटम्स की ढेरों वैरायटीज है, पर ये उनके लिए है जो है पान के शौकीन। इस तरह से वो डिफरेंट तरीके के पान लगाकर अपने शौक को घर में ही पूरा कर सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट पान भी बहुत टेस्टी लगता है। मार्केट में न जाने कितनी वैरायटीज के महंगे से महंगे पान आते हैं, फिर भी हमें खाने में उतना मज़ा नहीं आता। अगर हमें शौक है तो हम घर में ही बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा पान बनाकर खा सकते हैं और खिला भी सकते हैं।
अब हम इसको कवर करेंगे व्हाइट चॉकलेट से। पहले की तरह ही चॉकलेट को कट करके मेल्ट करेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ कंपाउंड के एक पीस का यूज किया है। कम चॉकलेट है इसलिए मैं स्पून से ही चॉकलेट की कोटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो ज्यादा चॉकलेट को मेल्ट करके पूरे पान को चॉकलेट में डिप कर सकते हैं। हमारे पास जो भी आइटम हो उससे हम इसे ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद इसे भी फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे। ड्राई फ्रूट के साथ हमेशा व्हाइट वाली मिल्की चॉकलेट ही अच्छी लगती है। व्हाइट चॉकलेट में अलग अलग चॉकलेट फूड कलर डालकर डिफरेंट कलर्स में बना सकते हैं। आपने मार्केट में बहुत तरह के पिंक, ग्रीन, ब्लू, येलो जो पान देखे हैं ना, उनको भी तो इसी तरह से व्हाइट चॉकलेट में कलर डालकर कोट किया जाता है। जैसे स्ट्रॉबेरी पान के लिए पिंक कलर किया जाता है, उसमें डालने के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, उसकी चटनी, फ्लेवर्ड नारियल लच्छा डालकर स्ट्रॉबेरी पान बना दिया जाता है। तो लीजिए, इस तरह से हमारा ड्राई फ्रूट पान रेडी है। खाने में इतना टेस्टी है जैसे कोई स्वीट डिश खा रहे हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी ब्राइटनेस ज्यादा हो गई है। फ्रिज से निकलकर हमारा पान आ गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, झटपट पान बनाना चाहते हो तो इस तरह से मिक्सचर बनाकर रख सकते हैं। उसके लिए लीजिए टूटी फ्रूटी, फ्लेवर्ड या प्लेन नारियल लच्छा, गुलाब सुपारी, चमन बहार और मल्टी कलर सौंफ। अगर पान में भरना नहीं चाहते हैं तो इसमें कटिंग करके पान डाल सकते हैं। मीठे के लिए इसमें डालिए मिश्री के दाने। और अगर पान में भरना चाहते हैं तो इस मिक्सचर को भी भर सकते हैं गुलकंद डालकर, या फिर पान की कतरन और मिश्री के दाने को बिना डाले ही बाकी मिक्सचर सूखा बनाकर फ्रिज में रख लें। जब भी पान खाने का मन हो तो पान में गुलकंद और इस मिक्सचर को डालकर झटपट पान लगाकर खाया जा सकता है। लगाने वाले तो इसमें चूना कत्ता भी लगा सकते हैं। मेरे दोस्तों की कल टी पार्टी है तो सोचा क्यों ना ज़्यादा पान लगा लिया जाए। वैसे भी मेरे घर में लगी पान की बेल को आते जाते देखकर सभी आरती और आरती के पान को हमेशा याद करते हैं। खाने पीने की चीज़ को तो लोग एक बार ज़रूर मना कर देंगे, पर पान ऐसी चीज़ है जिसे लोग मांग कर खाते हैं। तो इस बार आप भी लगाइए सबसे पहले एक पान की बेल और फिर लगाइए पान, खुद खाइए और दूसरों को खिलाइए। क्यों जी, है ना एकदम सिंपल। यूपी से लेके राजस्थान तक हर जगह पान के शौकीन है। अगर आप भी मेरी तरह पान के शौकीन हैं, तो अपने घर में एक पान की बेल जरूर लगाइए। घर में पान की बेल कैसे लगाते हैं ये जानना हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हर पान के शौकीन को मेरा वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।